देखो बॉयज एंड गर्ल्स सारे बैठे हुए हैं बाहर ना सोलर इक्लिप्स देखने के लिए, और पीछे भी लोग उधर बैठे हुए हैं, तो इधर ही हम बैठ के देखेंगे, तो थोड़ी देर में ही होने वाला है। मैंने कभी लाइफ में अपनी इक्लिप्स ही देखा। रात हो रही है इस वक्त पूरी, ये एक बज रहा है, अभी डेढ़ बज रहा है, ऐसा लग रहा है रात हो रही है। देखो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक यट टू अनदर व्लॉग बॉयज एंड गर्ल्स। आज है सोलर इक्लिप्स का दिन। मिशन ये है कि आज हमने सोलर इक्लिप्स देखना है, आपको भी दिखाऊंगा। तो मैं काम पे जा रहा हूँ, काम पे उन्होंने वॉच पार्टी रखी हुई है। पहले दो चीजें मैंने करनी है। पहला तो ये कि यार ये जो गाड़ी है ना बीमर, इसके बड़े मसले निकलते हैं। अभी इसकी कूलेंट लाइट लो हो गई थी, तो उसके अंदर कूलेंट डालना मैंने। और दूसरा काम ये है कि मैंने ग्लासेस लेने सोलर इक्लिप्स वाले। कहते हैं सोलर इक्लिप्स वाले ग्लासेस के बगैर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, योर आईज कुड गेट डैमेज्ड। और अभी आज मैं देख रहा हूँ बहुत ब्राइट हुआ हुआ है सारा कुछ ना, तो आई थिंक बड़ा हैवी किस्म का इक्लिप्स आने वाला है। बेसिकली इसके अंदर एक डंडी होती है, वो ऊपर आ जाएगी जब कूलेंट पे ना इनफ हो जाएगा ना, जो उसका लिक्विड है। ये जब ऊपर आ जाती है ना डंडी लेवल पे, इसका मतलब कूलेंट में अब इनफ लिक्विड है। बंद कर लेते हैं। फॉर एनी मनी हु इज ट्राइंग टू एड देयर कूलर लिक्विड, कभी भी गाड़ी जब चल जाए ना तो फॉरन ही डालना चाहिए। पूरी रात रेस्ट देके गाड़ी को फिर डालना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म होता है ये वाला कंपार्टमेंट होता है ना। तो अगर गाड़ी चली है एक दो घंटा और आपने फिर खोला ना, तो ऐसे छुआएं निकलेंगे कि इंजर हो सकते हो आप। लेट्स गो। तो भाई सीन ये है कि अभी हमने जाना है ग्लासेस लेने। अब मैं सोचा था पहले सनग्लासेस पहन लूं, कहते हैं सनग्लासेस इज नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट योर आईज। कहते हैं कभी भी सोलर इक्लिप्स में डायरेक्ट नहीं आपने देखना, क्योंकि आईज को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है, और फॉर अ लाइफ टाइम हर्ट कर सकता है। ठीक है, जो डैमेज वो करेगा इररिवर्सिबल है। तो बंदा अच्छा है $2 की इन्वेस्टमेंट कर ले, थोड़ी क्वारी कर ले। दूसरा, बहुत सी थ्योरीज आई थी इसके बारे में कि एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतनी फनी थ्योरीज निकली है ना सोलर इक्लिप्स। भाई किसी को नहीं पता कि डे ऑफ जजमेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा। वैसे भी इस्लाम के भी सारे साइंस तो पूरे हो ही नहीं है। बहुत सी मेरी ऑडियंस है, यंगर जनरेशन देखती है, लेकिन जो थोड़े से मेरी एज या मेरे से बड़े हैं, वो याद होगा जो 2012 जिस पे मूवी बनी थी उस पे क्या हुआ था। उस वक्त तो भाई सारा मतलब अमेरिका पागल हुआ हुआ था, एंड ऑफ द टाइम्स की वार्निंग आ गई थी, पाकिस्तान तक भी ये बात पहुंच गई थी। और बड़ी फनी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली ये सीन था 2012 में ना, दिसंबर के अराउंड 21 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि भाई सब दुनिया खत्म हो जाएगी, या तो कोई बड़ा हैवी कोई स्टॉप साइन पर रुका नहीं। शिट, यस, वेरी सैड। Anyway. या तो वो बड़ा हैवी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आने वाला होगा, मतलब कि दुनिया में कुछ ना कुछ होने वाला होगा। उन्होंने पूरी मूवी निकाल दी थी इस पे। अब हमें भी बहुत डर लग रहा था यार, मेरे भाई एक आदत है, उन्होंने बड़ा डराया था कि यार अमेरिका के अंदर बैठे हुए कि लोग यहाँ पे बस अपनी हॉलीडेज वेकेशन आखिरी वेकेशन ले रहे हैं, एल्कोहल पी के बटोने हुए कि बस खत्म होने वाली है दुनिया, दुकानें सबने बंद कर ली है, क्यामत का समा छाया हुआ है, सब डरे हुए हैं। बस समझ रहे ना, हमारे घर में मुलाजिम होते थे वो, मैं और वली भाई, हम थे घर में बैठे। हमने कहा बस यार अब या तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का अनाउंस होने वाला है, कोई ऐसी लेजर आएगी जो सब में ज़ॉम्बी बना दी, कुछ हो जाएगा। तो हमने ना बल्ले बुल्ले रख लिए अपने साथ ना, हम भी बच्चे थे। अब हुआ क्या कि पापा घर में है ना हमारे तो पापा को बता रहे, हम कह रहे हैं पापा यार वो बना 2012 में ना दुनिया खत्म हो रही है, देखो देखो फेसबुक पे पोस्ट आ रही है। तो पापा ने सारी सुनी बात, कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हमारे मुलाजिम कहते हैं अच्छा, अरे काम करो लस्सी तो लेके आओ जरा। हमें इतना गुस्सा चढ़ा, हमने कहा पापा तो मजाक समझ रहे हैं इस चीज को यार, मतलब कि इनको डर ही नहीं है। उसके बाद अगेन वही हुआ, दो तीन रात के बजे हम उठे रहे, हमने कहा अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, करते 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 कल सुबह स्कूल का टाइम हो गया, सारा स्कूल का दिन एफ हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन ना वो बस 2012 जो मूवी थी ना वो बिल्कुल ही जोक बन गई। तो ये भी इसी तरह का सीन है, हर चीज में एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड की थ्योरी डाल देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होना, जब असल में एंड ऑफ द वर्ल्ड का टाइम आएगा ना तो लोगों को तब शक भी नहीं करना पड़ेगा, वो वाकई होगा। खैर एनीवेज, लेट्स गो टू वॉलमार्ट, वहां से मैं वो क्लासेस पकड़ने, विल सी यू देयर। अब बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि मैं अभी आया हूँ यहाँ पे वॉलमार्ट पे, और पूछा जाके कह रहे ऑल आउट है, कोई काम की चीज छोड़ते नहीं है यार। अब मैं किस तरह देखूँ सोलर इक्लिप्स? मिस कराओ बॉयज एंड गर्ल्स, टाइम नहीं है मेरे पास, अब आधे घंटे के अंदर आई थिंक हो जाएगा इक्लिप्स। और वैसे भी मैंने काम पे जाना है, तो मैं काम पे ज्यादा देर ऑफलाइन नहीं रह सकता अपना लैपटॉप लेके, सीधा फिर काम पे जाते हैं, वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे सोलर इक्लिप्स देख लेंगे, हो सका कोशिश तो मेरी पूरी होगी। बट बिफोर वी गो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और टिकटॉक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। I'll see you there at work, inshallah. Later. देखो बॉयज एंड गर्ल्स सारे बैठे हुए हैं बाहर ना सोलर इक्लिप्स देखने के लिए, और पीछे भी लोग उधर बैठे हुए हैं, तो इधर ही हम बैठ के देखेंगे, तो थोड़ी देर में ही होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अपने तो देगा ग्लासेस, लेकिन क्या करें यार, अब जो है सो है, कोई मसला नहीं, हम कैमरे से देख लेंगे यही कर सकते हैं। 20 मिनट तक कम्प्लीट सोलर इक्लिप्स होगा, मैंने सुना कोई ग्लासेस दे रहे हैं यहाँ पे, तो चेक करते हैं जरा, किसी को तो मिले। ऑलमोस्ट कवर करने वाला है, ये देखो अंधेरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, ये अभी दिन दिहाड़े टाइम हो रहा है लेकिन अंधेरा होने वाला है। आई थिंक अगले 10 मिनट में पूरा कवर कर लेगा। अच्छा मैंने ग्लासेस में देखे, ग्लासेस में सही नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट।
दे रहे हैं सबको, यहाँ पे मेरा रोजा चल रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स को चेक करो जरा, चेक करो जरा, ये दिन हो रहा है भाई चांद की, ये क्या आ रही है, ये देखो चांद की उछवाएं आ रही है। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स कितने लोग आए हैं अभी इस वक्त, ओ देखो सारे देख रहे हैं और होने वाला है, बस हो गया आई थिंक। बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे नहीं लग रहा रात हो गई है, ओ शिट यार लुक अराउंड, ऐसा लग रहा है शाम का टाइम हो, अभी 1:30 बजे। बॉयज एंड गर्ल्स तो रात हो गया, ओ तेरी। मैंने कभी लाइफ में अपनी इक्लिप्स ही देखा, रात हो रही है इस वक्त पूरी, ये 1 बज रहा है अभी, 1:30 बज रहा है, ऐसा लग रहा है रात हो रही है। देखो देखो बॉयज एंड गर्ल्स चेक करो, और आप इर्द गिर्द देखो, ये रात हो रही है, होली हेल, बॉयज एंड गर्ल्स रात का टाइम, ओ हो 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 हो। ये देखो फ्लैश ऑन करता हूँ, ये देखो फ्लैश ऑन करना पड़ रहा है, ओए होए होए, ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, ओए होए होए होए, कभी लाइफ में नहीं देखा मैंने, कभी भी नहीं, वाओ भाई, हिप्नोटाइज ही ना हो जाऊँ, कोई सीन ही बैड ना हो जाए। चेक करो जरा, चेक कर रहे हो, ये देखो जरा वापस आ रही है लाइट, वापस आ रही है, दिन वापस आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, वो बड़ा शाइनी है, उसे बहुत शाइनी है, इतना मजा आया रात होगी दिन के अंदर। लो जी दिन वापस आ गया बॉयज एंड गर्ल्स, आहिस्ता आहिस्ता चेक कर रहे हो, वापस आ रहा है सारा सीन। यार वो जो एक मोमेंट आया था ना, वो बड़ा ब्यूटीफुल था यार, मैं क्या बताऊँ, आई एम ग्लैड आई केम। एक्चुअली बॉयज एंड गर्ल्स मेरी बैटरी खत्म हो रही है, तो आप लोगों से फिर जाके अब घर पे मिलेंगे इफ्तारी के टाइम प्रोबेबली, क्योंकि मैं इस वक्त रोजे में मार रहा हूँ फुल टाइम, लेकिन आपको ये दिखा दिया आज मैंने किसी भी तरह करके। लेटर दैट सेम इवनिंग, भाई ऐसी रस्म बनी हुई है, फिर दूर से आइए चलते चलते मुझे वो खिलाने को जूर। आज का रोजा बहुत ही लंबा था, सोलर इक्लिप्स दे के मेरा दिमाग ही घूम गया, यूं ऊपर ऊपर गर्दन ही रह गई मेरी। सोलर इक्लिप्स जब हो रहा था तब कुछ खा लेते, पानी पी लेते। बात तो जनवना से, जब सोलर इक्लिप्स था तो शाम तो हो गई थी, तब खा लेते, सूरज तो वाकई ही डूब गया था। जल्दी से 1-2 सिप लगा लेता, 3 मिनट तो थे मेरे पास, मैं आराम से अफतारी कर कर के, तो कहता नहीं अफतारी, नया रोजा शुरू हो गया।